जय राधे कृष्ण की जय। बहनों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई इस सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। और इसमें जो आप सभी का प्रेम स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रभु के सी चरणों में सिर रख करके आपके मंगलमय और भक्तिमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो मेरा लक्ष्य है कि प्रत्येक प्राणी के द्वारा जब तक एक बार इस महामंत्र को नहीं बुलवा लूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। इसमें आप लोगों की मुझे सहायता मिलेगी, इससे अच्छा और मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। आइए अब शुरू करते हैं इस सत्य घटना को, जो बहुत ही रोचक है, हृदय स्पर्शी है और काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है, नॉलेज से भरी हुई है। इसलिए इसे आप पूरा श्रवण करें। और हाँ, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और वह वीडियो आपसे मिस ना हो जो आध्यात्मिकता से भरपूर होता है। यह सत्य घटना है मथुरा में रहने वाले शिव शर्मा नाम के एक कुलीन धर्मात्मा ब्राह्मण जी की। जब उनकी युवावस्था बीत गई और बुढ़ापा आया, तब उन्हें इस तथ्य को लेकर बड़ी चिंता हुई कि अभी तक तो हमने देवादिदेव भगवान शंकर की भलीभांति आराधना अर्चना नहीं की, न तो भगवान विष्णु की ही प्रेम पूर्वक उपासना की है। ऐसे में जीवन भी व्यतीत हो गया, केवल ग्रंथाध्ययन और गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग के साथ जाएंगे नहीं, मरणोपरांत हरि हर की भक्ति ही एकमात्र सहायक वस्तु होगी। और जीवन का जो यथार्थ धन संचय है, वह तो हरि कीर्तन ही है, प्रभु के नाम का गुणगान ही है। यह सोचकर वे भगवान प्रेम पिपासु ब्राह्मण अपने घर से सप्तपुरियों अर्थात अयोध्या, काशी, मथुरा, कांची, अवंतिका और द्वारका एवं माया अर्थात हरिद्वार की यात्रा को निकल पड़े। अन्य तीर्थों का नियम निष्ठापूर्वक दर्शन करते हुए वे अंत में हरिद्वार आए। यह पुरी अत्यंत मनोरम है। वहाँ पर्वतमालाओं से बाहर निकली हुई गंगा इस भूतल पर भागीरथी नाम से प्रसिद्ध है, जिनके नाम के उच्चारण मात्र से जीव के पापों की राशि नष्ट हो जाती है। तत्वविद महात्माओं ने उस हरिद्वारपुरी को वैकुंठ की सीढ़ी बताया है। वहाँ स्नान करने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। शिव शर्मा ने भी हरिद्वार में पहुंचकर व्रत रहकर गंगा में स्नान किया और देवताओं का तर्पण किया। ज्यों ही उन्होंने इन कर्मों से निवृत्त होकर पारण करने का विचार किया कि वे सहसा ज्वराक्रांत हो गए। उनकी रुग्णता, शारीरिक कमजोरी दिनों दिन बढ़ती चली गई। परदेश में अकेले होने पर भी वे अपनी गंभीर रुग्णावस्था में तनिक भी घबराए नहीं, क्योंकि इस परम पावन पुरी में ही अपने मर्त्य शरीर को त्यागने का विचार किया। एक पक्ष इस प्रकार रोगग्रस्त रहने के पश्चात उनका शरीर छूट गया। मृत्यु के उपरांत उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने के लिए भगवान विष्णु के दो पार्षदों सहित एक परम दिव्य विमान उन्हें लेने के लिए आया। दिव्य देहधारी शिव शर्मा ने उसमें विराजमान होकर वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ धाम की यात्रा करते हुए मार्ग में पड़ने वाले लोगों के बारे में शिव शर्मा उन दोनों विष्णुगणों से पूछते जाते थे। विष्णु के गणों ने उन्हें वैकुंठ मार्ग में स्थित पिशाच लोक के, गुहा लोक के एवं विद्याधरों के लोक के विषय में परिचय दिया। शिव शर्मा और पार्षदों के बीच जब वार्तालाप चल रहा था, इसी बीच धर्मराज वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने शिव शर्मा को भूर भूर धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने वेदों का अध्ययन करके, भगवान की पूजा उपासना, अपने गुरुजनों की सेवा करके एवं पावन करने वाली सप्तप्रियों का दर्शन करके महान पुण्य अर्जन किया है, तुम्हारे भाग्य धन्य है, भगवान विष्णु के पार्षद तुम्हारे साथी हैं। यों कहकर धर्मराज चले गए। उनके चले जाने पर शिव शर्मा ने पार्षदों से पूछा, मृत्युलोक में तो धर्मराज के स्वरूप का वर्णन लोग बड़े ही भयंकर एवं क्रूर देवता के रूप में करते हैं, परंतु इनका स्वरूप तो बड़ा ही सौम्य है। दोनों पार्षद बोले, जो लोग धर्मात्मा हैं, सत्य नीति के सेवी हैं, भगवान का नाम लेने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, उनको धर्मराज अपने सौम्य रूप में ही दर्शन देते हैं। मरणोपरांत ऐसे व्यक्तियों के विषय में ही यमराज अपने दूतों को निर्देश देते हैं कि मेरे सेवकों, जो मनुष्य गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे, मुरारी, शंभु, शिव, ईश, चंद्रशेखर, शूलपाड़,
दामोदर, अच्युत, जनार्दन और वासुदेव इत्यादि नामों का सदा उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूर से ही त्याग देना। दूतो, जो लोग सदा गंगाधर, अंधकरिपो, हर, नीलकंठ, वैकुंठ, केटवरिपो, कमठ, पद्मपाण, भूतेश, खंड परशु, मृण, चंडकेश आदि नामों का जप करते हैं, वे तुम्हारे लिए सर्वथा त्याज्य हैं। मेरे दूतों, विष्णु, नृसिंह, मधुसूदन, चक्रपाण, गौरीपति, गिरीश, शंकर, चंद्रचूड, नारायण, असुर विनाशक, सारंगपाण इत्यादि नामों का सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें भी दूर से ही त्याग देना उचित है। प्रिय भाई बहनों, स्कंद पुराण में है वर्णन मिलता है, गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूलपाणे, दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव, त्याज्या भटा ययति संतत मामनंते, गंगाधरांध करेपो हर नीलकंठ वैकुंठ कैट भरिपो कमठा चपाड़ो, भूतेश खंड परसो मृण चंडकेश, त्याज्या भटाय इत संतत मामनंते, विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे, गौरीपते गिरीश शंकर चंडचूड, नारायणा सुर निवहरण सारंगपाणे, त्याज्या भटा यित संतत मामनंते। प्रिय भाई बहनों, सार यही है समस्त वेद पुराणों का, जो निचोड़ है, सार है वही है कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं वह अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं और सदा सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु पर भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, विकल्प की कोई जगह विकल्प के लिए बचती ही नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो कुछ मैं इस चैनल के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ उसमें मेरी अधिक से अधिक सहायता करें, जिससे उसका क्रेडिट आपको भी प्राप्त होगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन में तो हम सभी जी ही रहे हैं, और आध्यात्मिक जीवन को भी अभी से अच्छा बना लें, उसके लिए अभी से धन संचय कर लें। बैंक बैलेंस तो काम आने वाला नहीं है, ये तो आप सभी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, इसमें तो कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो मेरा जो टारगेट है वह यही है कि सर्वप्रथम तो भारतवर्ष में, उसके तत्पश्चात संपूर्ण विश्व में इस चैनल के माध्यम से ही हर प्राणी मनुष्य मात्र के द्वारा कम से कम एक बार इस षोडश महामंत्र को कलिसंतर उपनिषद में आए हुए हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको हर किसी तक पहुंचाना, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इसमें मेरी मदद कीजिए जैसे भी हो सके। अगले किसी वीडियो में फिर से किसी नई सच्ची कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। आप लोगों का प्रेम स्नेह मिलता रहे तो प्रभु का भी स्नेह मुझे प्राप्त होगा।